So hey guys, welcome back to my channel everyone. This is Shubham, you are watching Sarthi Vlogs. Guys, मुझे पता है कि आप लोग शायद मुझसे थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे क्योंकि मैंने बहुत दिनों से जो व्लॉग नहीं डाला. एक्चुअली जो मेरा लास्ट व्लॉग था सुप्रान जो बाइक खरीदने वाला, उसके बाद जो है मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था. और जिन लोगों को नहीं पता मैं जॉब भी करता हूँ, सो मुझे मैं कम से कम 10 दिन तक मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी और उस वजह से मैं ना ही शूट कर पाया और ना ही ऑफिस का काम. सो जब बीमार होकर मैं रिकवरी मेरा हो गया तब मैं गया ऑफिस में. मैंने सोचा जो मेरे पेंडिंग काम थे वो पहले ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से मैं व्लॉग शूट करूँगा. लेकिन काम ख़त्म करते इतना लेट हो गया कि मैं बहुत दिन से शूट ही नहीं कर पाया. आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज. सो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया और मैं आज जा रहा हूँ आप लोग के लिए शूट करने के लिए. और आज अभी मैं जा रहा हूँ, अभी बज रहे सुबह के 9, संडे है तो इसलिए नींद थोड़ी देर से खुली. अभी आप मेरे देख सकते हो आँखों में मेरी नींद है अभी. सो अभी मैं जाऊँगा और मैं यहाँ से 11 बजे निकल जाऊँगा. तो जाने में ज़्यादा टाइम थोड़ा आई थिंक थोड़ा टाइम लग जाएगा, वहाँ पर वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. सो अभी चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे वो क्या है कैसा है. सो जिन लोगों को नहीं पता कि विश्व बांग्ला गेट क्या है, आगे तक इस ब्लॉग में बने रहिए. सो फाइनली जो है मैं पहुंच गया हूँ. मैं इसी की बात कर रहा था जो हैंगिंग रेस्टोरेंट है विश्व बांग्ला गेट. सो इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे देता रहूँगा. मैं अभी आ चुका हूँ, मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ हैं, तो अभी हम लोग सामने जा रहे हैं और आगे की स्टोरी आपको आगे बताते हैं. चलिए यहाँ पर जो है आप अगर यहाँ पर टिकट बुक करना चाहते हो तो आप सिर्फ बुक माई शो से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टिकट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन में इसका टिकट मिल जाता है. आप बुक माई शो अपना ऐप इंस्टॉल कर लो, उसके बाद इवेंट एक रहेगा टैब, उसमें आप जाओ, वहाँ पर जाके आप कर सकते हो आराम से. और यहाँ पर आके जो मैनुअल टिकट है वो यहाँ पर ले सकते हो, आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लेना आपका जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा. और यहाँ पर आके आप ले सकते हो टिकट. और जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ करके है, सिर्फ आपको देखने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए. और सिर्फ देखने के लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे. अंदर कैफ़े है और भी बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे. तो चलिए अभी चलते हैं, हम लोग को लेट भी हो गया, हम लोग का टाइम जो है वो 2 बजे का है. सो अभी हम लोग चलते हैं, बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोग को देता रहूँगा. तो चलिए आगे देखते हैं. सो हम अभी पहुंच गए ऊपर और यहाँ से जो नज़ारा है वो आप देखो. मैं आपको एक टाइम लैप्स दे दूँगा जो यहाँ से नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉल्स पे अच्छी तरह से आर्ट्स हैं. यहाँ पर जो टेबल वगैरह है यहाँ पर आप कैफ़े यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे मेन्यू यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और जो आपको अच्छा ठीक लगे और जो आपको अच्छा लगे वो ऑर्डर कर सकते हो. मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं लेकिन वो थोड़े से शर्मीले हैं तो इसलिए वो कैमरे में नहीं आना चाहते. ठीक है, अपने अपना तरीका होता है, अपना अपना पसंद नापसंद होता है, तो इस वजह से मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया. अभी आगे चलते हैं देखने के लिए. तो यहाँ पर देखते आगे क्या क्या है. सो गाइज यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा. ये एक हैंगिंग कैफ़े है, थोड़ा बहुत जो हिलता दुलता है, नहीं तो आपको कैसे पता चला कि ये हैंगिंग कैफ़े है, रेस्टोरेंट है. यहाँ पर आप डाइनिंग भी कर सकते हो. यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. अगर आप डाइनिंग कर सकते हो तो आपको प्री बुक करना पड़ेगा, वो शाम के 7 बजे से 10 बजे तक है. और मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा.
काफ़ी अच्छा लगा और एंजॉय कर रहा हूँ टाइम। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप आ रहे हो यहाँ पर सो बुक माई शो से टिकट चेक करके आना। अगर आप बिना बुकिंग के यहाँ पर आते हो तो आपको गाइस कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वीकडेज़ में शायद आपको मिल जाएंगे, लेकिन वीकेंड पे आपको टिकट एकदम ही मिलने वाला, बहुत हार्ड होता है, बहुत रश रहता है। सो सभी का जो है वो वीकेंड में फ्री रहता है, वो लोग विज़िट करने आते हैं। और अभी कोलकाता को भी उसका एक आइकॉनिक जो है लैंडमार्क मिल गया है, जो ये विश्व बांग्ला गेट है। सो अभी कोलकाता में भी आइकॉनिक जो है वो जगह आपको मिल चुका है। सो आप आ सकते हो यहाँ पर वीकेंड पे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और टाइम चिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आते हो तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे अगर वो बुक माई शो से आप आते हो, और आपको सिर्फ 45 मिनट्स के लिए आप यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद आपको जो निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका टाइम शेड्यूल रहता है, आप यहाँ पर ज़्यादातर नहीं रह सकते। सो मैक्स टू मैक्स आप 45 मिनट्स रह सकते हो। सो अभी जो व्यू है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और वो आप देखो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा लगा। Purpose, baby, no. Where are you looking? Are you looking, baby? Tell me. You really hurt me when you hurt me when you left me. No, 'cause you know. Where are you looking? Are you looking, baby? Tell me. You really hurt me when you hurt me when you left me. No, 'cause you know. That I'm sorry, but you don't. Where are you looking? Are you looking, baby? Tell me. You really hurt me, baby. Hurt me when you left me. No. You really hurt me, baby, hurt me when you left me, no. बाहर के जो शॉट्स है मैं दिखाने वाला हूँ अभी, और जो पिक्चर है वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाएगा यहाँ पर। अगले दिन की सुबह है, कल शाम को जब हम विश्व बांग्ला गेट से निकले तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सो इस वजह से हम लोग जो है किसी तरह से हम लोग घर आए, फिर हम लोग ने अपना जो है हम लोग टाइम चिल किए, हम लोग कॉफ़ी पिए। उसके बाद इसीलिए मैंने जो है उतना ज़्यादा शूट भी नहीं किया, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ बहुत दिनों बाद मिला हूँ, और वो मेरे ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स थे, तो इसी वजह से।
और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके विश्व बंगला गेट में। आप लोग अगर अभी तक नहीं गए आप लोग ज़रूर जाओ। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक, पूरा एड्रेस, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, आप जाके देख सकते हो। और आप जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो तब तक के लिए बड़े को प्रणाम, छोटों को प्यार, और दोस्तों को हेलो। साइनिंग ऑफ शुभम, बाय बाय।